अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अभी हम सॉल्व करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO का क्विज नंबर 1 बैच 5 का डिजी स्केल्स पे। तो इजी सा क्विज होगा और पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो आप देख लें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको एक्सरसाइजेस और क्विजेज दोनों मिल सकें। माई एक्टिविटीज़ में जाके आपने इस तरह से करना है, और स्टार्टिंग डेट 17th of July है एंड डेट 23rd of July है। सबमिट स्टेटस के ऊपर, टेक क्वेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से इंटरफेस आएगा। 10 MCQ टाइप क्वेश्चन देंगे जिसके 4 ऑप्शंस होंगे और एक को सॉल्व करने के लिए 90 सेकंड्स दिए जाएंगे, और जो भी सोटेबल आंसर होगा उस पर आपने क्लिक कर मार्क कर देना, ठीक है। ग्रीन बार में आपको नजर आ रहा है स्टार्ट क्वेस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेस्ट हो जाएगा स्टार्ट इस तरह से। और फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, गूगल शोज डिफरेंट रिजल्ट्स टू यूजर बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट क्वेरीज टाइप्स एंड डैश ऑफ द सर्चेस, सोशल हिस्ट्री, ईमेल हिस्ट्री, कॉन्टेक्स्ट एंड नेशनैलिटीज। तो ये इसका राइट आंसर जो है वो है जी नेशनैलिटीज़, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसको सेव एंड मूव टू नेक्स्ट करेंगे, और सेकेंड जो है वो हमारे पास है जी ये डैश इज़ मैंडेटरी टू यूज़ गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, हॉटमेल अकाउंट, याहू अकाउंट, जीमेल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है आपके पास के जीमेल अकाउंट, ठीक है। गूगल से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लेना चाहिए कि जीमेल अकाउंट आपका रिक्वायर्ड होगा गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो सी वाला इसका राइट ऑप्शन है, और इसको हम मार्क करके चलते हैं अपनी थर्ड वाली स्टेटमेंट के ऊपर। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट है हमारे पास ये वाली, वट इज़ द मेन सोर्स ऑफ गूगल अर्निंग, गूगल अर्निंग का मेन सोर्स क्या है, सर्च, मार्केटिंग, SEO, गूगल एड्स। इसका राइट आंसर है आपके पास लास्ट वाला, गूगल एड्स के जरिए आपको गूगल अर्निंग होती है। उसके बाद इसको फोर वाले को आप मार करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जो कि है फोर वाली। तो ये आ गई जी हमारे पास फोर वाली, SEO इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज इंक्लूडिंग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड डैश, अपर पेज ऑप्टिमाइजेशन, लिंक बिल्डिंग, सर्च और टेक्निकल SEO। तो इसका राइट आंसर आपके सामने नज़र आ रहा है, टेक्निकल SEO जो है वो इसकी थर्ड कैटेगरी है SEO की। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ वाली स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर SEO रैंकिंग, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, क्लॉकिंग, कीवर्ड स्टफिंग एंड डोरवे पेजेस। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा कीवर्ड स्टफिंग। उसके बाद इसको करेंगे सी वाला ऑप्शन को मार्क करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली करें। शॉर्ट कीवर्ड कंसिस्ट ऑफ कितने पे कंसिस्ट होता है, 1 to 2 वर्ड्स, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 1 to 6 वर्ड्स के ऊपर शॉर्ट टेल कीवर्ड जो है वो कंसिस्ट करता है, और लॉन्ग टेल 5 to 6 वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा राइट ऑप्शन हो गया। उसके बाद हमारी सेवन्थ वाली स्टेटमेंट जो है वो है जी ये, गूगल डैश द वेबसाइट्स विच हैव मल्टीपल पेज ऑप्टिमाइज फॉर द सेम कीवर्ड प्रमोट्स, पेनालाइज, अंडरस्टैंड एंड ग्रोस। तो इसका राइट आंसर है पेनालाइज, ठीक है। उसके बाद बी वाला इसका राइट ऑप्शन था, वो हमने मार्क कर लिया। और उसके बाद हम चलते हैं अपनी एट वाली स्टेटमेंट के ऊपर, SEO टेक्निक डेटा अगेंस्ट सर्च इंजन गाइडलाइंस आर गार्ड वाइट हैट SEO, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, ब्लू हैट SEO। तो इसका हमारा राइट आंसर है जी ब्लैक हैट SEO, ठीक है। जो उसकी फेवर में होगा उसको हम कहेंगे वाइट हैट SEO, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नाइन्थ वाली, दीज आर द मेन चैनल्स ऑफ गेटिंग इंस्टेंट ट्रैफिक टू अ वेबसाइट एक्सेप्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, रेफरल लिंक्स एंड बिलबोर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। बिलबोर्ड्स पे नहीं आपने जाना, इसका राइट आंसर इस वक्त होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। लास्ट है वी कैन डू कीवर्ड रिसर्च थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च टूल के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू, या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। तो इसका राइट आंसर है कीवर्ड रिसर्च टूल जो है वो यूज़ करेंगे तो कीवर्ड रिसर्च जो है वो उसमें हमें हेल्प आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्विज था वो हो चुका है कंप्लीट, इसको कर देंगे क्लोज। और दूसरे क्विजेज भी आपको और एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। और टिल देन स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।